न्यूज क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज के चर्चा का विषय क्या है? नोटबंदी का 5 साल। आज के दिन 5 साल पहले भारत सरकार ने अचानक हमारे देश के जितने करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि संचालनगत जो मुद्रा थे उसका 85-86% बोला ये गैर कानूनी है, मगर इनका एक बहुत बुरा असर पड़ा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर। एक तरह से एक आर्थिक आपदा आप समझ लीजिए, पूरा अराजकता हुआ पूरा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस विषय के ऊपर आज मेरा साथ अध्यापक अरुण कुमार जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी 30 साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ाया 1985 से 2015 तक, और इस विषय के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी। तो प्रोफेसर अरुण कुमार, आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए, क्योंकि आप इस विषय के ऊपर एक बहुत सारे लेख आपका मैंने पढ़ा, आप कह रहे एक तरह से एक व्यक्ति का अगर शरीर से अब 85% खून निकल लेंगे तो उसका क्या हालत होगा। यही हालत हुआ था भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस विषय के ऊपर आपका क्या, 5 साल के बाद आपका क्या राय है? आपने उस समय जो कहा था आज भी हम मानते हैं? मैंने उस समय कहा था कि ये जो नोटबंदी हुई इसके पीछे आम धारणा ये थी कि ब्लैक का मतलब कैश होता है, यानी कि ब्लैक इकोनॉमी कैश से चलती है, तो अगर हम अर्थव्यवस्था से कैश निकाल देंगे तो ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये धारणा थी सरकार की भी, और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं आम व्यक्ति है वो भी यही सोचते थे कि ब्लैक का मतलब कैश, तो अगर हमने कैश निकाल दिया तो जो अमीर लोगों का जो काला धन है वो भी निकल जाएगा। मुझे अभी भी याद है जब 8 नवंबर को जब ये हुआ था नोटबंदी 2016 में, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी ये कहा था कि अब जिनके पास काला पैसा है वो कहाँ रखेंगे अपना पैसा, उनका पैसा तो डूब गया। और खबरें भी आई कि कुछ लोगों ने नोट जला दिए, कि कुछ नदी में बहा दिए वगैरह। लेकिन मेरा मानना है कि ये ब्लैक मीन्स कैश गलत धारणा है, क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे पहले मैं काम करता हूँ, काम से कमाई की, कमाई से मैं खपत की, खपत के बाद जो मेरा पैसा बचा वो मेरी बचत हो गई, सेविंग हो गई, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया कुछ रिटर्न के लिए, तो मेरी संपत्ति हो गई यानी वेल्थ हो गई। तो यानी पहले इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर मेरा वेल्थ। तो जो कैश होता है उस पर तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं कैश को 1% ही रखता हूँ, अपना जो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट है उसमें कैश 1% होता है। तो मेरे अनुमान से उस समय 300-400 लाख करोड़ के करीब की ब्लैक वेल्थ थी, तो उसमें सिर्फ 3-4 लाख करोड़ का कैश रहा होगा। अब जो कैश है वो उस RBI के पास पूरा का पूरा वापस आ गया, यानी कि जो 3-4 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक का कैश रहा भी होगा वो भी वापस आ गया, यानी कि ब्लैक वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ा, है ना। अच्छा, ब्लैक इनकम जो जनरेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं 50 पेशेंट मरीज को देख रहा हूँ, तो मैं 30 की आमदनी दिखाऊंगा, 20 की नहीं दिखाऊंगा, तो 20 की जब मैं नहीं दिखाऊंगा वो मेरा ब्लैक इनकम हो गया। तो ये एक प्रोसेस है अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग का, इसके जरिए से बिजनेसमैन ब्लैक इनकम जनरेट करते हैं। अब जो नोटबंदी हुआ उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि ब्लैक इनकम जनरेशन पे कोई असर नहीं हुआ और ब्लैक कैश पे कोई असर नहीं हुआ, है ना। एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं। उस दिन 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जी 3 लक्ष्य, एक तो है जैसे आपने कहा काला धन हम खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, उसके बाद साथ साथ बोला कि जो जाली नोट काउंटरफीट करेंसी वो भी कम हो जाएगा, और हमारे देश में जो ऐसे जाली नोट काला धन से जो हमारे आतंकवादी जो पैसा मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ महीनों के बाद सरकार और कुछ कहना शुरू कर, हम चाहते कैशलेस अर्थव्यवस्था कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हम कैश नहीं यूज करेंगे, हम
फिर बोला कैशलेस से बोलना शुरू की, लेस कैश यानी कि कम कैश हम इस्तेमाल कर। 5 साल के बाद सरकार तो कुछ कह नहीं रहा कि सचमुच ये सारे जो लक्ष्य उन्होंने बताया इसका कितना आप समझते हैं कि सरकार का जिस कारण के लिए मोदी जी और भारत सरकार ने ये नोटबंदी किया उसका लक्ष्य वो गोल्स कि सचमुच हम पूर्ण कर पाए? नहीं, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना, वो तो हुआ नहीं है, क्योंकि काली जो संपत्ति थी उस पर असर नहीं पड़ा, काली कमाई है उस पर असर नहीं पड़ा। फिर जो हमारा काउंटरफीट करेंसी जो नकली नोट थे वो सिर्फ 400 करोड़ थे सरकार के मुताबिक, जो 15.44 लाख करोड़ में सिर्फ 400 करोड़ होना ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। अच्छा, और एक हफ्ते के अंदर नकली नोट 2000 रुपये के आने लगे। वजह यह है कि जो नकली नोट आते हैं अच्छे छप के, वो एक विदेशी ताकत जो छाप के हमारे यहाँ सर्कुलेट करती है, उसके पास तो सारे साधन है, तो वो नए नोट भी छाप लेती है। तो इसलिए जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी उसमें जो वापस आई उसमें काउंटफिट करेंसी आए, उसको काउंट नहीं किया गया और नए जो काउंटफिट करेंसी आने लगा नकली नोट। फिर तीसरी बात जो है आपका जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग, ये कहा जाता था कि नकली नोट से टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है, लेकिन टेररिज्म की फाइनेंसिंग तो तरह तरह से होती है, हवाला के थ्रू होती है, डॉलर के थ्रू होती है, गन स्मगलिंग के लिए होती है, ड्रग स्मगलिंग की वजह से होती है, तो वो सब तो वैसे ही चलता रहा। तो जो 3 लक्ष्य थे इनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, चौथी बात ये कि हम क्या लेस कैश इकोनॉमी हो गए, तो अभी आपने देखा कि जो पैंडेमिक के दौरान तो अब हमारे पास तो 28.5 लाख करोड़ की करेंसी इन सर्कुलेशन है, जबकि उस समय 18 लाख करोड़ की करेंसी इन सर्कुलेशन थी। तो हमारा जो 10 लाख करोड़ बढ़ गया। और अगर आप GDP के अनुपात में देखें तो उस समय 12% था GDP का जो हमारा कैश था, अब वो 14.5% हो गया है, यानी कि अनुपात में भी बढ़ गया और एब्सोल्यूट अमाउंट में भी बढ़ गया। तो हालांकि पेटीएम का इस्तेमाल और जो है UPI का इस्तेमाल वगैरह बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास कैश बहुत है तो इसलिए ये भी बात नहीं हुई कि लेस कैश इकोनॉमी हो जाएगी या कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, तो इन चीज़ों में से कोई भी वो हुआ नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो कैश होता है वो क्या है, वो हम कैश खाते तो नहीं है, कैश तो हम सर्कुलेट करते हैं, उससे हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं। मैंने दुकान में पेमेंट किया तो दुकानदार ने मुझे कुछ सामान दिया, उसने आगे होलसेलर को पे किया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया, मैन्युफैक्चरर ने जब पे किया, तो जब कैश की कमी हो जाती है तो ये सर्कुलेशन अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है, तो इनकम जनरेशन एकदम रुक जाती है। और खासकर जो छोटे उद्योग होते हैं, जो माइक्रो उद्योग होते हैं, वो तो पूरा कैश में काम करते हैं, वो बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो सबसे बुरा असर हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उस पे पड़ा, वहां पे 94% लोग काम करते हैं। और अध्यापक सर, आप थोड़ा और बताइए, क्योंकि आपका किताब में भी, आपका बहुत सारे लेख में भी, आपका बहुत सारे भाषण में बार बार आप एक चीज कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है भारतवर्ष के और सबसे कमजोर हिस्से के लोग जो है उसके ऊपर सबसे खराब, उसका सबसे बुरा असर पड़ा। जैसे जो आप जैसे कहेंगे ये जो दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर्स, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, जो छोटे छोटे व्यापारी, दुकानदार और किसान भी, इन लोग के ऊपर सबसे खराब असर पड़ा। ठीक, बिल्कुल। तो आज भी सरकार ये मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि आज भारतीय समाज के सबसे जो कमजोर लोग, उनके जीविका के ऊपर ये नोटबंदी का असर ऐसा पड़ा? देखिए, सरकार के जो आंकड़े आते हैं GDP के, वो संगठित क्षेत्र के आधार पे आते हैं, असंगठित क्षेत्र के आधार पे आंकड़े आते ही नहीं है, वो 5 साल में एक बार पे इकट्ठा किए जाते हैं। यानी कितने रिक्शा चलाने वाले हैं, कितने मजदूर हैं, कितने छोटे ट्रेडर हैं, कितने हमारे जो ढाबे हैं, इस सब का डेटा 5 साल में एक बार ही आता है। तो 2015 में आया था और फिर 2020 में, इसके बीच में ये मान लिया जाता है कि हमारा असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र चल रहा है। अब ये नोटबंदी के पहले तो सही था, क्योंकि नोटबंदी में तो जो संगठित क्षेत्र तो काम करता चला गया, लेकिन असंगठित क्षेत्र पिट गया, तो असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो हमारे जो आंकड़े हैं उसमें असंगठित क्षेत्र आते ही नहीं है, कि वहां पे सिर्फ कृषि को छोड़ दीजिए, बाकी और तो असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है। तो ये गलत धारणा है कि असंगठित क्षेत्र पे कोई असर ही नहीं पड़ा। अभी भी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं,
जो सरकारी अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि जब संग्रह क्षेत्र बढ़ेगा तो असंग्रह क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है उसका उल्टा हो रहा है। जैसे कि हमने ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया है अभी पैंडमिक के दौरान, तो उससे हमारी जो दुकान में जो जाने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई, अब कम लोग दुकान में खरीदारी कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनका जो धंधा और चौपट हो गया है और ये सारा का सारा धंधा उधर शिफ्ट हो गया है। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं जगन्नाथन जी, उन्होंने 2018 में कहा कि जब 25 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यूनिट्स हैं और हम 5 ऑर्गेनाइज सेक्टर के यूनिट हैं। अब हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि डिमांड असंगठित क्षेत्र से हमारी तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जगह जगह हुआ, जैसे कि टैक्सी एग्रीगेटर आ गए, तो जब टैक्सी एग्रीगेटर आ गए तो लोकल टैक्सी स्टैंड खत्म हो गए। तो ये डिमांड हमारे अर्थव्यवस्था में शिफ्ट की जा रही है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र पे, और जीडीपी हमारा सिर्फ संगठित क्षेत्र पे आधारित है, तो इसलिए सरकार कहती है कि नहीं कोई असर ही नहीं है, जबकि असर बहुत है। कहा आपने, जैसे कहा नोटबंदी जिस साल जिस वित्त साल में हुई थी 2016-17, उस समय भारतवर्ष का जो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिस रफ्तार से बढ़ा, एक 10 साल में नहीं, एक दशक में नहीं बढ़ा था इतना, मगर उस बाद हम देख रहे लगातार कम हो गया, इसका तो एक असर पड़ा। और साथ साथ ये जो पैसा, उस समय बहुत लोग कह रहे थे कि लाखों करोड़ों रुपया काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। आप, मेरे को याद है आपने 10 जनवरी 2017 में आपने लिखा था कि 99% ये जो मुद्रा जो नोट है, जो 5 रुपए का है, 1000 रुपए का नोट, ये वापस आ जाएगा। और बहुत महीना के बाद, लगभग 6-8 महीना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ये बात मान लिया। तो देखिए ऐसा है कि हमारा जो जीडीपी होता है उसमें हम ये नापते हैं कि हर क्षेत्र में किस किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, वो चाहे कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेड हो, फाइनेंस हो, इस तरह के 9 बड़े बड़े सेक्टर होते हैं। हर एक सेक्टर में एक असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है। तो जो डिमांड है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है। अभी हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि संगठित क्षेत्र में प्रॉफिट बहुत हो रहा है और स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वहां पे सिर्फ 6000 कंपनियां लिस्टेड है, जबकि असंगठित क्षेत्र में 6 करोड़ यूनिट काम करते हैं, है ना। तो 6 करोड़ जो यूनिट काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में, जो हमारा माइक्रो सेक्टर है, तो वहां पे तो हम जो कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना वहां पे असर है, उसको तो नाप नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो 6000 यूनिट है जहां पे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है उसी को हम नाप रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारा जीडीपी है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में असलियत में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है, वो हमारा जीडीपी अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें एक नए मेथड की जरूरत है उसको मेजर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो ये है कि जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि संघर्ष क्षेत्र से लोगों का काम खत्म हो रहा है और वो गाँव में वापस जाके फिर और काम मांग रहे हैं। तो अब आपने देखा कि पिछले साल एलोकेशन था 70,000 करोड़ रुपया, लेकिन खर्च हुआ 1.1 लाख करोड़। फिर भी आरबीआई कहता है कि लोगों को 50 दिन का ही काम मिला, अगर उनको 100 दिन का काम मिलता तो कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती। तो हमारा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस प्रकार से असंगठित क्षेत्र अभी भी खतरे में है, अभी भी वो परेशानी में है, और ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आपने सही कहा कि पैंडेमिक के पहले ही अर्थव्यवस्था 8 क्वार्टर से 8% से गिर के 3.1% पे आ गई थी। तो यानी कि ये जो क्राइसिस था डिमांड का, डिमांड कम होती चली जा रही थी, इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा था, कंजम्पशन के जो कम हो रहा था, और इसी वजह से हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ कम हो रही थी, जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे परेशानी थी। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में इस नोटबंदी से परेशानी बहुत बढ़ गई, और जीएसटी को लगाया तो उससे और परेशानी बढ़ गई, फिर उसके बाद एनपीएफसी क्राइसिस आया तो और बढ़ गई। तो यानी कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है वो पिटता चला जाएगा। अच्छा प्रोफेसर अरुण कुमार जी, आपको याद होगा कि उस समय भारतवर्ष का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे उच्च न्यायालय को 23 नवंबर 2017 में कहा कि हम लोग सोच रहे कि 4-5 लाख करोड़ जो भारतवर्ष के उत्तर पूर्व इलाका में जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। मैं उनकी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। अरुण जेटली जी ने कहा ये जानबूझ के एकदम वेल प्लान्ड एक तरह से एक योजना। तो भारतीय रिजर्व बैंक का एटीएम तो काम नहीं कर रहे थे बहुत दिन, फिर उसको वो ठीक हो गया। मेरा कहना है अलग अलग चीज हमने सुना, एक बोला कि हमें गोपन रखना चाहिए था नहीं तो सबको मालूम हो जाएगा, और फिर बाद में लोग कहा कि हमने जानबूझ के किया।
मगर आज हम देख रहे हैं कि सचमुच इसके पीछे कोई प्लानिंग था, कोई एक कोई कोई एक योजना था कि 7 हफ्ते के अंदर हम देख रहे हैं, 7 हफ्ते नहीं महीनों के ऊपर हम देख रहे हैं कि लंबा कतार बैंक के सामने, पता नहीं कितने लोग का मौत हुआ हो। मगर आज भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो नोटबंदी का जो 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 मोदी जी ने किया ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने सारे लक्ष्य के बाद इन्होंने बताया कुछ भी इन्होंने वो कामयाब नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सरकार जब 2014 में इलेक्शन में ये रूलिंग पार्टी जब गई तो इन्होंने ये एक दावा किया था कि हमें पता है कि इतना पैसा बाहर है कि वो हम जल्दी से 1 महीने के अंदर लाके और हर परिवार को 15 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ये जो उनका दावा था ये कहीं बाद में कहा गया तो जुमला था, ये तो सिर्फ चुनावी जुमला था। तो पर इस पर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसका इस्तेमाल किया और बिहार में बीजेपी की हार हुई, और ये डर था उनको कि उत्तर प्रदेश में भी यही होगा कि उत्तर प्रदेश में भी हार जाएंगे। तो सरकार कोशिश में लगी हुई थी कि जब कुछ काले धन की अर्थव्यवस्था पे कुछ किया जाए, तो ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाए थे। आपने देखा जून जुलाई अगस्त सितंबर में 2016 में एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी, और ये सोचा गया था कि उसमें बहुत काला धन वापस आ जाएगा, और जब काला धन वापस आ जाएगा तो कुछ हम कर पाएंगे। लेकिन जब उसमें जब फेलियर हुआ, जब उसमें जब कामयाबी नहीं मिली, तब इन्होंने सोचा कि अब हम नोटबंदी करते हैं, क्योंकि नोटबंदी से एक धमाका होगा, क्योंकि आम आदमी भी सोचता है कि ब्लैक का मतलब कैश है। तो ये जो लाए एकदम से वो इसलिए लाए कि एक तो इनको कुछ करना था यूपी इलेक्शन के पहले, और दूसरा 2000 रुपए के जो नोट थे वो आने वाले थे। ऊपर प्रोफेसर अरुण कुमार जी, इस विषय के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अर्थशास्त्री है, लोग कह रहे हैं आप राजनीति समझते नहीं है, क्योंकि ठीक है ये नवंबर में हुई थी, ठीक है मैं मान लिया, और फिर क्या हुआ 11 फरवरी से मार्च 8, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, आपने नतीजा देखा 80% विधानसभा जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जीत हुआ। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री आप जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति में तालमेल नहीं है या क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहे। सब लोग कह रहे ठीक है, उस समय कहा था कि हाँ, उस समय मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज का मायावती जी, लोग कह रहे कि इनके पास बहुत कैश है, काला धन है, ये सब खत्म हो जाएगा, इस तरह से कहा। उस समय आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं, उमा भारती जी ने ये कहा कि मोदी जी इज मोर मार्क्सिस्ट देन कार्ल मार्क्स, और सब बोला कि ये सब तो गरीब लोग के लिए किया, वो कतार में गरीब लोग खड़े थे और साथ साथ कुछ अमीर व्यक्ति या अमीर व्यक्ति का नौकर खड़े थे, मगर मोदी जी का छवि के ऊपर कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है जो मनमोहन सिंह जी कहते थे, गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स, अच्छी जो राजनीति है वो अच्छी अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। आपका क्या राय है? देखिए ऐसा है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स को ट्रम्प कर देती है। तो जो अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, अब देश में गरीबी तो बहुत समय से है, लेकिन जो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी समझी जाती थी लेफ्ट की, वो तो ऐसा नहीं है कि वो हरदम जीत जाती थी, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो जो पॉलिटिक्स है वो आप खेल सकते हैं इस प्रकार से कि जो इकोनॉमिक्स है वो पिछड़ जाती है। तो जैसे कि 2019 के इलेक्शन में बालाकोट हो गया, बाकी जो ये सब हुआ तो उससे जो असर पड़ा, हालांकि उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी डावाडोल थी। तो जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मतलब हरा सकते हैं पॉलिटिक्स से। अब पॉलिटिक्स अगर होगी कि मतलब ये देखो जो अमीर आदमी है उसके ऊपर भी असर पड़ा और जो गरीब आदमी है उसको आपने कन्विंस कर दिया कि ये हाँ ठीक है आपका जो नौकरी गया, आपको परेशानी आई, लेकिन जो अमीर आदमी है उस पर ज़्यादा असर पड़ा और आपको उससे फायदा पहुँचेगा आगे आने वाले समय। और जो गरीब लोग
को समझा कि हाँ ये एक तरह से एक प्रायश्चित का समय है। कहा हमें कटकड़ी में ले जाओ, तो इस तरह का भाषा उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। पांच साल आपका क्या लग रहा है, ये जो आप जो कहते हैं एक तरह से ये जो नोटबंदी का जो उन्होंने उन्होंने जो ये नोटबंदी किया था पांच साल पहले एक आपदा था, आप भी कह रहे हैं ये एक तरह से केओस अराजकता फैल दिया। फिर भी आम आदमी, गरीब आदमी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे रहे। उस समय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का डीमोनेटाइजेशन इज प्रूफ टू बी अ मियर ब्लस्टर टू री पोलिटिकल डिविडेंड। उन मान रहे कि राजनीतिक फायदा उनको मिला उस समय, और जो रियल ऑफेंडर्स हैव गॉट अवे, जो जो असली जो जो दोषी है, जो अपराधी है, वो उसको भी कोई असर न पड़े। वो संसद में खड़े होके बोला, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर, संगठित तरीका से आपने लूटा और कानूनी तरह से आपने ढका। फिर भी इसके ऊपर उस समय सिर्फ मनमोहन सिंह जी, ममता बनर्जी, सारे विरोधी दल ने इसके टिप्पणी की, आलोचना किया, मगर कांग्रेस का स्थिति आप जानते हैं। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स को ट्रंप कर देती है, और ये दो बार हमने देखा, यूपी के इलेक्शन में भी देखा, 2019 में भी जनरल इलेक्शन में भी देखा। पर सवाल ये कि हमको जो आर्थिक विश्लेषण है और राजनीतिक विश्लेषण, उसको दो अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। राजनीति में क्या हो रहा है और अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी थी पैंडेमिक के पहले ही, और फिर पैंडेमिक आया तो अब एक बहाना मिल गया कि देखो पैंडेमिक से तो दुनिया भर में असर हुआ है, तो इसलिए कोई जो हमारे ऊपर अलग से थोड़ा असर हुआ है। और फिर वो एक जनता को कन्विंस कराने की कोशिश है कि देखो ये पैंडेमिक में तो हमने बचा लिया और 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया वगैरह वगैरह। हालांकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन तो हमने बहुत देर में लगाया, चीन ने तो उतने समय में 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया था। तो इसलिए ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, पॉलिटिक्स इज अबाउट नैरेटिव, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। तो जो परसेप्शन है और जो नैरेटिव है वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि जो उससे उनको फायदा हो। अध्यापक सर, अत्यंत विनम्रता से आपको बोल रहा हूँ, 40 साल पहले जब आपातकालीन समय, उस समय नसबंदी का आप जानते हैं एक राजनीतिक असर पड़ा। तो लोग कहते हैं नोटबंदी एक तरह से अर्थव्यवस्था के उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर, संजय गांधी के ऊपर जिस तरह से असर पड़ा नोटबंदी पर, मगर ये नहीं हुआ। लोग भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन करते हैं कि इतना अगर लोग असंतुष्ट है, दुखी है, नाराज है, तो सड़क में क्यों नहीं निकला? नहीं, तो जैसे कि आपने कहा ना कि इमरजेंसी के दौरान जो नसबंदी किया गया उसका आम जनता में सपोर्ट नहीं था, और इसलिए इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ तो उसका असर हुआ। लेकिन जो नोटबंदी है उसका जो नैरेटिव क्रिएट किया गया कि तो अमीर आदमी को जो लाइन में खड़ा कर दिया, अमीर आदमी के जो गलत जो तरीके से कमाई थी उसको हमने खत्म कर दिया, उसका असर है कि ये आम जनता में धारणा थी कि नोटबंदी सही है। जबकि एक्चुअली में जो एक इकोनॉमिक विश्लेषण है, जो आर्थिक विश्लेषण है, वो बताता है कि ये सही नहीं था। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया, और ये पॉलिटिकल नैरेटिव बड़ा इफेक्टिवली क्रिएट किया रूलिंग पार्टी ने, और उसका फायदा उसको मिला, यूपी के इलेक्शन में मिला, बाद में भी मिला। लेकिन आप अगर ये देखें तो यूपी के इलेक्शन के बाद उन्होंने ये नोटबंदी का जो मुद्दा है वो और किसी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया। जब 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें भी ये मुद्दा जो मुद्दा नहीं बना कि जो नोटबंदी में क्या हुआ, ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठा नहीं पाई, और जो रूलिंग पार्टी है उसने उठाया नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया था तब तक कि इसका बहुत गलत असर हुआ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये इकोनॉमिकली तो फेलियर था, पॉलिटिकली इसको डील किया गया और प्रधानमंत्री ने बड़ी इफेक्टिवली इसको डील किया। मेरा आखिरी सवाल, और ये एक भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल है, कितना असर पड़ा? उस समय बहुत लोग कह रहे थे पूरा हमारे जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम, इसका 2% या 3%। तो अगर आप, बहुत आसान है, उस समय आप समझ लीजिए भारतवर्ष का GDP 140 लाख करोड़ के आसपास था, इसका 2% कितना होता है? लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा इधर उधर होगा। तो ये तो 3 लाख करोड़, भारत सरकार तो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना खर्च नहीं करते हैं। आप जानते हैं किस तरह हमारी स्थिति हो गया। तो जो आखिरी सवाल, और आप
पूरा जो क्यों 5 साल के बाद हमें ये बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, इसका याद दिलाना बहुत जरूरी है आम आदमी को, और क्या क्योंकि क्या असर पड़ा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये कहके हम मेरा साक्षात्कार आपके साथ मैं खत्म करूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, जैसे मैंने कहा असमिर क्षेत्र जो 31% है जीडीपी का, वो तो पूरा ही बंद हो गया था, यानी कि जब वो इतना पूरा बंद हो गया तो इसका मतलब हुआ कि करीब आप समझिए कि 6-7 लाख करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था में कमी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि 1 या 2% का असर हुआ, वो असर एक्चुअली हुआ करीब करीब 6 या 7% का असर पड़ा हमारी जीडीपी पे। तो इसलिए मेरा बार बार कहना है कि अर्थव्यवस्था एक्चुअली मंदी में चली गई थी, और वो हमारे जीडीपी के डेटा में जो दिखता नहीं है, क्योंकि जीडीपी का डेटा अर्थव्यवस्था का जो आता ही नहीं है, ये जो हमारा असंगठित क्षेत्र है। तो इसलिए कुल मिला के बहुत बुरा असर पड़ा, खासकर जो गरीब आदमी है, जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे धंधा चलाते हैं, वो लोग बेचारे बहुत परेशानी में आ गए थे। और उसके बाद से हमारा जो असंगठित क्षेत्र वो काफ़ी गिरता चला गया है, और वो साथ साथ जो गिरता चला जा रहा है तो उसका फायदा संगठित क्षेत्र को हो रहा है, पर ओवरऑल अर्थव्यवस्था में उसका नुकसान हो रहा है। धन्यवाद प्रोफेसर अरुण, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को ये नोटबंदी का क्या असर पड़ा भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर, भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था के ऊपर, इस विषय के ऊपर आपने आपका राय दिया। आप सब न्यूज क्लिक देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।